إنما يريد الله
द्वारा राम नाम सबसे कबूल फरमाए। उस दिन जिस दिन कोई चीज काम में आए खुदा अपने लिए जखीरा करार दे। आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से ये बहुत कम जगहों में बयान होता है, खुसूसन वाजिबात नमाज में, अहकाम नमाज में, नमाज के शराइत हैं, मुकद्दमात हैं, जिस तरह हज के मुकद्दमात हैं, शराइत हैं, अहकाम हैं, उसमें कुछ हराम चीज़ें हैं कि जिनको अंजाम नहीं देना, तो कुछ वाजिबात हैं जिनको अंजाम देना पड़ता है। इसमें से नमाज के वाजिबात में से एक वाजिब चीज़ ये है कि करार इस हद तक हो कि हर रुकन ना हो जाए, कि माना नमाज में तब्दील ना हो जाए। असल समत कहने के बजाय समत कहना पड़ेगा, वरब जालिम के जरिए में वरब मौलिम या वरब मौलिम, ये बताया था आपने खिदमत में ना, बहुत आसानी से हम सीख सकते थे। सीन को मोटा करेंगे तो क्या बन जाता है, सौ बन जाता है। सल याला नहीं कहेंगे, अल्लाहुम्मा सल याला सा सौ मोटा, आसान है या नहीं है, सा सौ स्वा भी नहीं, स्वा भी जरूरत नहीं, मुंह गोल करना, मुंह गोल जहाँ पेश और वाव होता है उधर गोल होता है, उसके अलावा गोल। अल्लाहुम्मा सल याला मुहम्मदिन व आली नहीं व आली मुहम्मद, तो जो है ना अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, ले के बाद अगर हम खींचेंगे तो यानी ये है, ये के मतलब मेरी आल, यानी मोहम्मद व आल मोहम्मद के आल नहीं, आली यानी मेरी आल। इसीलिए अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, अल्लाहु समद दाम को मोटा करेंगे तो भी ठीक है, जे को मोटा करेंगे तो भी ठीक है, नमाज के लिए दोनों सही। अच्छा, उसके बाद जो है ते को मोटा करने से हर बाल बन जाता है, सिरा तक को सिरा तो भाई, ये यही उर्दू में जो कह रहा है उसी जगह में जरा जोर से मारेंगे तो अरबी हर बन जाएगा, आसान है ना। हर फा को अदा करने के लिए जिन लोगों के लिए, जिन लोग फा को अदा करूंगा वे अदा करते हैं, उनके लिए ये है कि वो क्या करें, दांत नीचे वाले होंठ पर रख कर फूंक मारें, खैरुन मिन अल्फिशर, आसान है ये भी। तीन हुरूफ में जबान बाहर आती थी, कौन से जाल जोइन है, से में क्या करना था, सब एक तरफ देखें साथ साथ पढ़ेंगे, इन्ना आतैना कल कौ, जबान अंदर कर है कौ, इसी तरह साथ में सिरात लजीन नहीं कहेंगे, जबान अंदर ने सिर्फ न रहे सिरात लजीन, सुभान रब्बी अल अजीम के अंदर में फिर इसमें भी जबान थोड़ी सी बाहर आएगी, सुभान रब्बी अल अजीम भी हो गया, अजीम भी हो गया। और एक दो हर में एक जगह से आसानी है, गैन और खा जहाँ से गरगर और गरारे करते हैं ना, उस जगह से गौ खौ, गैर मकसूद या खैर, ये गलत है, गैर हयाना खैर लमल खैर नमल गौफिर नगफिरन, एक जगह से देखो आसान तारीफ। और एक और हर बता चुका था, पता नहीं यही दर जाओ उधर हर बताओ, अक्सर लोग कहते हैं कुल होता महल, कुल होता का मतलब ये खाओ, अकल या पुरुष से मुराद कहते हैं कुल वरला वहाद के, तो काफ किताब वाला काफ से अगर कहेंगे तो कुल वरला ही काव, कलाम वाला काफ से कहना पड़ेगा कुल वरला वहाद। उसकी जगह कहाँ है, जबान की जड़ को नरम तालू से लगा के, हम छोटी जबान जो लटक रही है उर्दू में जैसे कौवा कहते हैं, उससे जोर से लगा के अलग करेंगे तो क्या होगा, कुल वरला अहद। इंशाल्लाह ताला एक या दो हर बातें बस के बात हो जाएगी। सलावत अला محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلله وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه
وشعشع ضياء الشمس بنور تهجده يا من دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من طر من خترات الظنون وبعد عن لحظات العيون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أصحابه الميامين المنتجبين سجم الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ہمارے آبا و اجداد جو ہم پہ حق رکھتے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ہاتھ اس دنیا سے کٹے ہوئے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں خدا یا اس مجلس کا ثواب ان کے ارواح تک ان سب کے پاس فرض فرما مومنین گفتگو ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے صلوات علی محمد و علی آخر میں کربلا مولانا سے آیا ہوا علم ان شاء اللہ ہم ان بعد میں زیادہ کریں گے اس سے بھی شرکیات ہوں سب تعالیٰ محمد و علی محمد ظاہر بات ہے مجلس تذکر کے لیے بہت سی باتیں آپ سنیں ہو باتوں کو آپ سن چکے ہو لیکن تذکر پانی پینے سے پانی ہمیشہ دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں لیکن پانی کے پکار سے پانی کے پینے سے انسان تھکتا نہیں سورہ ہم واجب نمازوں میں دن میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں جو عاشق ہیں جو نماز کو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ سورہ ہم کے تکرار سے لذت اٹھاتے ہیں تھکتے نہیں اسی طریقے سے جو ہر مفید بات کے تکرار سے انسان کو تھکاوٹ ہوتی نہیں ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وجعلناہم ائمہ ہدایت کے لیے جو خدا کی جانب سے آتے ہیں چاہے انبیاء ہو چاہے اولیاء ہو چاہے اوصیاء وہ سب خدا کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں کیوں اس لیے منتخب ہوتے ہیں کہ خدا خود جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کس آدمی کو انتخاب کرنا چاہے کہ جو ہدایت کے قابل ہو جو لوگوں کی ہدایت کر سکے کیونکہ ووٹ کے ذریعے سے انتخاب کے ذریعے سے جو فرد انتخاب ہوتا ہے وہ لوگوں کا انتخاب شدہ ہوتا ہے اور لوگوں کا انتخاب شدہ آدمی جو ہے اس کو ہم نہیں جانتے اس کے اندر کیا چیز ہے یہ اندر سے کیا ہے لیکن خدا اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ اندر سے کیا ہے امام معصوم حج میں ہیں ابو بصیر گزر رہے ہیں ابو بصیر فرما رہے ہیں مولا کتنے زیادہ حاضر ہیں توجہ یا نہیں ہونی ما اکثر الحجیب مولا کتنا زیادہ حاجی ہیں امام فرماتا ہے ابو بصیر ایک چیز دکھاؤں آپ کو تصرف تھا کہا میرے ہاتھ کے اندر دیکھو تصرف امامت کے ذریعے سے کہا میرے ہاتھ کے اندر سے دیکھو دیکھا تو حاجی کم تھے زیادہ تر جانور تھے
हाजी कम थे जानवर जो है। तो फिर इस तरह कहो मा अकल हजीज वो अकबर वजीज, चीखने चिल्लाने वाले ज्यादा हैं और हाजी क्या है कम। हर इंसान अपने आमाल की वजह से अपनी शक्ल बनाता है, आमाल की वजह से। कोई किसी के गले की शक्ल होती है, कोई किसी के कुत्ते की शक्ल होती है, किसी की बिल्ली की शक्ल होती है। अंदर से आमाल के बिना पर इंसान की शक्ल होती है। क्यों इंसान आमाल से बनता है? हमें यह अमल मिसाल दर्रत सही नहीं आ रहा, वो मैं यह अमल मिसाल दर्रत शर्म नहीं आ रहा, देखेगा खुद देखेगा। यानी आमाल से अपनी जन्नत और जहन्नम इसी दुनिया से वो इंसान बना रहा होता है। बस हमें मालूम नहीं है कि अंदर से क्या है। वो वही अफराद जान सकते हैं जो जानते हैं, देखते हैं। और ये हालत बहुत से खुदा के नेक बंदों को भी ये हालत खुदा देता है, इनायत करता है। बात लोग कहते हैं, पास हमारे पास असातिज़ ने हमें खुद बताया कि हमने दुआ करके खुदा के बारगाह में कहा कि यह हालत हमसे उठाओ, हमारा माशरे में चलना मुश्किल हो गया। देख रहे हैं सामने इंसान है, वो इंसान नहीं आ रहा है, कोई दूसरी नौकरी की शक्ल में कोई आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो रहना मुश्किल हो गया। खुदा इस हालत को इसीलिए इसको भी बर्दाश्त करने के लिए शरह सदर चाहिए। हमारे एक मुश्किल ने अकबर बेहजा तुर्मोसे से उलमा, वो देखते थे पहचानते थे आदमी वो आए हैं इसके क्या शक्ल। अयतुल्लाह बाउद्दीनी मरहूम हो गए हैं, एक मुश्किल थे उनके शागिर्द थे। शागिर्द गए किसी जगह में माह मुबारक रमजान में मजलिस के लिए यानी तबलीग के लिए गए। तबलीग से वापस समातों ने लिफाफा दिया था, लिफाफा जेब में डाला था। ये जो खुदा के लिए आते हैं उनको मुहिम नहीं होता है कि वो कुछ मिले या ना मिले, वो आते हैं जिक्र से शोदा के लिए, जिक्र कुरान के लिए। वो जिक्र कुरान को कभी भी पैसे के मुकाबले में नहीं रखते। पूरी दुनिया एक तरफ जिक्र, वो नुकसान में है, वो घाटे में है, वो खसारे में है, जो पैसों के मुकाबले में जिक्र को मुआजना करता है वो खसारे में। अच्छा उसको कुछ एक लिफाफे में रहता, उसने जेब में रख कर आया, रख कर आया बीबी मासूमा के हरम में, इमाम मुसाई काजिम की बेटी के हरम में ज्यारत कर रखा। एक शागिर मोहताज शागिर को ज्यादा मोहताज शागिर सामने आया और उस्ताद से आकर बहस की कि मेरे आज ये हालात है, मुश्किल नहीं देखा इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। पूरे महीने में जो कुछ मिला था, हालांकि एक मतलब इंसान को जरूरत नहीं होती है तो कोई कमाल नहीं, जेब में हाथ डाला निकालों से हवाले कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस्ताद के पास गए, आरिफ थे आयतुल्लाह बाउद्दीनी मरहूम हो चुके हैं, बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं, बीबी मासूमा के हरम में मदफून है। जब वो गए उनके पास गए तो आए वो आरिफ कह रहे हैं फलाने बड़े बड़े काम करते हो आजकल, बड़े बड़े काम करने लगे हो। उस्ताद शागिर से कह रहे बड़े बड़े काम, बीवी तो समाप्त हो गई, न कोई नबी है न कोई उसको वही हुई है। ये वो चीजें होती हैं कि अगर कोई तकवा इख्तियार करे, कहते सबरीम आयात है ना, हमारे आयात को आफाक में कायनात में अनफुस में हम दिखा देंगे, खुदा को फरमा देंगे, मोमिनीन मोमिनीन के आमाल पे गवाही देंगे, शाहिद होंगे, खुदा दिखाई देता है। कल मैं आपकी खिदमत में नाराज किया, अगर दुनिया में हराम से अपने आप को बचाओगे तो ऐसी चीजें दिखाएंगे कि जिसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता है, निशानियों को हम दिखाएंगे। फिर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिह तो जो खुदा का मुंतखब होता है वो खुदा खुद जानता है ये कौन है या इस काबिल है या नहीं है। क्यों? जो खुदा का मुंतखब होता है वो उस्वा होता है, उसके अमल में कोई शक शुबहात नहीं होनी चाहिए। उसका कौल बात फेल, उसका किरदार, उसका तकरीर यानी चुप रहना किसी अमल के मुकाबले में तीनों हुज्जत है। कौल फेल तकरीर, तकरीर से मुराद ये तकरीर नहीं यानी मासूम चुप रहे, इसका मतलब इस अमल को तस्वीर किया साबित किया यानी ये अमल ठीक है। अगर ये अमल हराम होता सही नहीं होता तो रोक देते,
अगर मासूम ने नहीं रोका, रसूल खुदा ने नहीं रोका, तो इसका मतलब ये अमल हराम नहीं। ये मासूम का कौल फेल है, जब क्यों वो उसवा है, वो पाक है, वो खुदा के नुमाइंदे है। इसीलिए कुरान में कहा वह जअलनाहुम अइमा, हमने उनको अइमा करार दिया है, हमने करार दिया है, हमने बनाया है, तूने नहीं बनाया है और तुझे हक भी नहीं है बनाने का। जअलनाहुम अइमा, आपको हक नहीं है, हादी बनाना आपका काम नहीं है, हादी बनाना हमारा काम है। यहदून भी अमीरा, वो हमारे अमल की हिदायत करते हैं। फिर हमको औहैना इलैहिम फिल खैरात, और नेक कामों के बारे में कौन कौन से काम करने हैं हम उनको वही करते हैं, हम उनको खुद बताते हैं। आम इंसान को नहीं बताते हैं, वो खुद इलाही नुमाइंदों को बताते हैं। जो वारिस है इल्म अंबिया हो, वारिस आदम सफियतुल्ला हो, वारिस नूह नबीउल्ला हो, उनको बताया जाता है कि ये काम करें ये काम न करें। उनको कहते हैं ममा तशाबून इल्ला अन यशा अल्लाह, वो करते हैं। अच्छा ये बात है, हमारे उस्ताद अगर कराती हैं, ईरान में सालाना एक प्रोग्राम होता है जिसमें तमाम ममालिक से अय्याम वहदत यानी इत्तेफाक और इत्तेहाद के दिन मनाए जाते हैं। रसूल खुदा के विरादत के अय्याम में 12 रबी अव्वल से लेकर तकरीबन 17 18 20 रबी अव्वल तक उस प्रोग्राम में मैं खुद भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी में गया हूँ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे आते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के चुने हुए बड़े बड़े उलमा आते हैं, बड़े बड़े उलमा को चुन के लेकर आते हैं। हाँ मुंबड़ा में नहीं थे, वैसे हमारे उन्हें भेजा था पाकिस्तान की तरफ से, कोई नहीं था तो उधर था, इधर से कोई नहीं आया था तो उधर से कहा था आप जाए, इत्तेफाकन एक जगह गए थे। अच्छा वहां पर आगे कराती बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, 60 सालों से मुसलसल कुरान का दर्स देते हैं, 60 सालों से बहुत खूबसूरत तफसीर है, तफसीर नूर उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है किताब। अगर कोई कुरान के पैगाम लेना चाहता है ना, कि मसलन बिस्मिल्लाह के कितने पैगाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के कितने पैगाम हैं, वो तफसीर जरूर खरीद के आप पढ़ें। यानी मुश्किल तफसीर नहीं है कि इंसान को अल्फाज में उलझाया गया हो और बसाए, नहीं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उन्होंने उनकी तकरीर की जब बारी आ गई तो सारे मौलाना हजरात से तमाम ममालिक के उलमा मजमा हो गए। अच्छा सबका अकीदा है कि इमाम अली आने वाला है, तमाम मुसलमानों का अकीदा है, तमाम बेगू का अकीदा है, हत्ता गैर मजहब ईसाई वगैरह सबका एक मुंजी आएगा। वो कौन आएगा मिसाक में इख्तलाफ है, लेकिन एक आएगा नजात देने वाला, एक मुंजी आएगा, बशरियत को नजात देगा जुल्म जोर से। कहा कि आइए हम मिलकर तमाम ममालिक के उलमा जमा हुए हैं, तवज्जो है या नहीं है, सारे बड़े बड़े उलमा जमा हुए हैं। अब बता उसमें मैं नहीं था, लेकिन वो किसी और बड़े प्रोग्राम में उन्होंने जो है जिसमें और भी यानी तमाम ममालिक के बड़े बड़े उलमा आए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि काम करते हैं, तमाम ममालिक उलमा जमा होते हैं। जमा होने के बाद जिस मुल्क का भी सबसे बड़ा परहेजगार आलिम दीन है उसको इमाम महदी के तौर पर चुनते हैं, उसे बनाते हैं। तवज्जो है या नहीं है? नहीं। कहा कि सब मिल जाते हैं उलमा, तमाम ममालिक वाले जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सब मिलकर इमाम महदी को बनाते हैं। वहां सब उलमा का क्या जवाब मिला? देखा इमाम महदी बनाना हमारा काम नहीं है, खुदा का काम है। तो जब इमाम महदी को इस वक्त इस पढ़े लिखे दौर में अगर नहीं बना सकते हैं तो इब्तिदा में लोगों की क्या जुरात कि खुदा के हुक्म के अलावा के जीवन को खुद इंतखाब करें। तवज्जो है मोमिनीन। बस इसलिए वजअलनाहुम अइमा, इसे कहते हैं अकली दलील कि खुदा की जानिब से। इसीलिए गदीर खुम में जब ऐलान हुआ मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला, जो मनसब मेरा था
वही मनसब नबुवत के अलावा मन कुन तो मौला फहद अली मौला क्यों मैंने तिलावत की आपके सामने वो अनफुसना वो अनफुस को नस कुरान है नफ्स रसूल खुदा नफ्स रसूल खुदा नफ्स क्या होता है खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कहा कि मैं नबुवत की खुशबू सूंघता हूं वही की खुशबू सूंघता हूं तो बाद उलमा ने एतराज किया कि वो वही की भी कोई खुशबू होती है यानी नबुवत वही की भी कोई खुशबू होती है अरे सूंघने वाले सूंघते जो नहीं सूंघने वालों को हजरत याकूब के लिए देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए थे तो जो है इन्नी अजीदुल अजीम यूसुफ मैं यूसुफ की खुशबू सुन रहा हूँ मीनू नूर अभी कमीज लेकर आए थे खुद यूसुफ भी नहीं आए थे कमीज लेकर आए थे मैं यूसुफ की खुशबू सुन रहा हूँ अगर मुझे पागल न कहो तो सूंघने वाले जो नबुवत आशना जो वही आशना सिफात के मालिक अफराद हो तो वही सूंघ लेते अब एतराज करते हैं इन निजायन फिलहाल तो शरीफा यहाँ पे एक नुकता बताना चाह रहा था मोमिन की खिदमत में लगते हैं अभी खादिश शाह साहब नहीं आए तो हम आगे बढ़ा सकते हैं सलात अला मोहम्मद व आल जाहिरुन फिलाल खलीफा ये कुरान की आयत है जब से खुदा ने अपना खलीफा बनाया है उस वक्त से तीनों जमानों में खलीफा मौजूद थे था रहेगा है और रहेगा और अकीदा है अगर कोई इंसान सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलम अगर कोई इंसान अपने अंदर ये चीज लाए इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा मैं जमीन पे खुदा का खलीफा बना रहा हूं और सबका इत्तेफाक है कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने माता मीत कर जाही है सुना है ना सबने सुना है इसी रिवायत के तहत जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत उमर के फर्जंद हज्जाज बिन यूसुफ सकफी के जमाने में इंतहाई जालिम जब्बार और खुसूसन अमीर मोमिनीन के मानने वालों को जहां भी मिलते थे कोई भी उनके सामने आकर तो कत्ल वगारत कर मार देते थे हज्जाज जब ये आए हैं खबर मिली कि आ गए हैं मदीने में आए हैं इस जगह में आके बैठे बैठे जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर जाते हैं रात को जब जाते हैं बैत के लिए जाते हैं बैत के लिए क्योंकि उसे मालूम था अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे कत्ल कर देंगे जाते हैं हालांकि इसी अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी हजरत अली की बैत में कोताही की थी बल्कि बैत नहीं की ठीक है कि नहीं तो जब हजाज के हजाज सोए थे या नींद में अभी सोने के लिए तैयार थे तारीख का वाकया है कोई जेल का वाकया नहीं लेटे थे तो कहा कि खलीफे तुम के फर्जंद अर्जुमंद तशरीफ लाए हैं कहा कौन है ये बुलाए अंदर जो ही अंदर जाकर आप क्यों आए उठा भी नहीं देखें कितनी बदतमीजी किस हद तक कल उठना चाहिए था एहतराम करना चाहिए था उठे भी नहीं लेटे हुए कहा क्यों आए ये रिवायत सुनाए मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता भी कतल जाएगी है अगर एक दिन ऐसा गुजरे और बैत के बगैर मरे और जमाने के इमाम की बैत किए बगैर और उसकी पहचान के बगैर मरे तो कहीं जाहिलियत की इमारत मौत न मरे इसलिए आया हूँ कि ताकि ये रात हो सकता है मौत आ जाए तो मैं मैयत यजीद की वो जो बात वालों की जो बनी अब्बास बनी हुई है कि जो है वो खलीफा थे
उसकी बेहद से कहीं महरूम रहूं। अब यहाँ पर इसको इतना गवारा नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया, कंबल से या उसको बल्कि लिहाफ का हटाकर पैर पर बैठ गया। यहाँ इसीलिए कहता है कि इमाम मासूम की बेहद नहीं करोगे तो खुदा इस तरीके से करता है। इमाम हुसैन को बुलाने के बाद अगर वही साथ बाद में 5,000 लोग तवाबीन मर गए, अगर उसी वक्त साथ दे दे तो ज़हरा की बेटियां इस तरीके से रसूल सादियां इस अंदाज में दरबारों में कहते, इसीलिए मौके पर वक्त पर फैसला किया करो, वक्त पर फैसला किया करो। अच्छा, इन जायनों फिर अल्लाह शरीफा में दो तीन औकात बता के मसाई पर कल मैंने क्या ही वल्लदी नामन तकुल्ला वकूम मा सादिकिन के हवाले से कुछ जरूरी बातें हैं, थोड़ा सा रब दे दूंगा अगर कि टाइम खत्म हो गया है। मैं तो जरा है इसके मतलब चले सलात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब कहते हैं कि निजात फिलहाल अभी कहाँ है, किधर है अभी खलीफा, किधर है, इस आयत का क्या करेंगे। कहता है जाहिरुन यानी है इस वक्त खलीफा है, तनस तनसरुल मलाइकतु व रूह किसको पर नाजिल होते हैं, मुझे और आप पे तो नाजिल नहीं होते हैं, कोई फदा का नुमाइंदा है उसको पर नाजिल होते हैं। इन्नी जाहिरुन फिर नौजवान दोस्तों गौर से सुने, कुरानी अदिल्ला है, समझने की चीजें हैं और ये हर वक्त दिल में आपके बात ये बातें होनी चाहिए, जहन होनी चाहिए। जब खुदा का खलीफा जब से बनाया है अभी भी है, था है और रहेगा, खुदा का खलीफा, खुदा का बनाया हुआ खलीफा है। लौल अल हुज्जा लसाखत अल अर्ध मन फी, अब बात को कहते हैं कैसे जिंदा है, किधर है, किस तरीके से बच सकता है, इतने मुद्दत से 1400 साल से कम, मसलन सन 260 हिजरी के बाद देवत सुगरा के बाद इमाम जमाले साहब कितने सालों से कैसे जिंदा रहा। आप मुसलमान हो के ये बात कर सकते हो, मुसलमान हो के ये बात कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। कल मैंने आयत पढ़ी, क्या आयत पढ़ी थी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदा लिल मुत्तकीन, पढ़े आगे जाए अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, युमिनूना बिल गैब ना, तो आप खुदा की वहदानियत और तौहीद को कैसे समझेंगे। अच्छा जनाब हजरत शैतान इब्लीस पे सब का इत्तेकाद है कि वो जिंदा है, ऐसा है या नहीं है, कैसे जिंदा है, क्या खा रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, उस पे किसी को एतराज नहीं है। लेकिन हुज्जत खुदा पर्दे गैब में है, सबको एतराज है। ठीक, आते हैं एक खूबसूरत कुरानी नुक्ता और आयत आपको बताता हूँ, जहन में रखें, सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत शुरू होती है। जनाब क्योंकि टाइम कम है, फकत वाक्य को इशारा कर आपको जाकर पढ़ेंगे। जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे, वाक्य आप में से अक्सर को मालूम है, लेकिन वो नुक्ता पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है। ये नुक्ता भी हमारे हुसैन अगर करादी ने बताया था, पता उसको सलामती दे। जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम बस्ती से गुजर रहे थे, गुजरने के बाद कहा खुदाया इस उजड़ी हुई बस्ती को, इस खराबे को, इस गिरी हुई छतों के साथ, छतें गिरी हैं फिर उसके ऊपर जो है वही खाबियत आला उरुशिहा, और फिर छतें गिरी हैं, छतों के ऊपर दीवारें गिरी हैं, बहुत उजड़ी है, दिल में मान ख्याल आ गया जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम का। अच्छा मेरे नबी हो के ऐसे ख्याल आते हैं, तो खुदा ने कहा फामा करूंगा, खुदा ने 100 साल तक जनाब उज़ैर को मार दिया। लफ्ज अमाता कुरान का लफ्ज है, फअमातहु अल्लाह 100 आम, खुदा ने 100 साल के लिए जनाब उज़ैर को मार दिया। खुलासा 100 साल के बाद जिंदा किया, जिंदा करने के बाद वहां दो नुकते हैं जिसकी तरफ आपको समझ देने जा रहा हूँ। कहते हैं हजरत उज़ैर की तरफ, मेरे हबीब मेरे उज़ैर मेरे बंदे, अब जरा उठ के देख किधर को कितनी देर, कहते एक दिन या दो दिन शायद मैं सोया हूँ, देख रहे हैं
कहता अपने गले की तरफ देख, गले की हालत की तरफ देखा तो गले की हड्डियां क्या होती हैं, इतनी गल सड़ गई थी। सुनो तुम फंदुर इला हमारे फिर क्या वंदुर इला तामे, ये मतलब है जनाब उजैर ने चलने के लिए अपने साथ खाने के लिए खाना उठाया था, खाने के लिए खाना साथ उठाया था। कहा अपने खाने की तरफ, अपनी जो गजा अपने साथ लेके गए तो उसी तरफ ले। तो जो है दोस्तों, जो पढ़े लिखे दो साहब आप समझ गए, लम यतसन्ना, ये कुरान का लफ्ज है, लम यतसन्ना यानी बिल्कुल खराब नहीं हुआ, वो तक नहीं आई उस खाने से। 100 साल तक एक घंटे में खराब होने वाला खाना 100 साल तक सालिम बचा है। कुदरत इलाही वो कई सालों तक जिंदा रहने वाला गधा जो है बिल्कुल खल सड़ गया है। तो ऐ उजैर, जिसके दस्त कुदरत में ये कुवत हो कि घंटों में खराब होने वाले खाने को इस तरीके से सालिम रख सकता है, तो इस बस्ती को भी दोबारा उठा सकता है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो खुदा कि ये खाने को 100 साल तक खराब नहीं कर सकता है, तो पर्दे खैर में अपने वली को जिंदा नहीं रख सकता है। पसंद आया
इतने इम्तिहान देने के बाद कहा मेरी जुर्रियत ही ए अल्लाह मेरी जुर्रियत में रखो। फिर खुदा ने अपनी सुन्नत में अपने कानून में ये सख्त कर दिया ला यनालु अहद अज़्ज़ालिमीन, किसी गुनाहगार तक ये मंजब पहुंच सकता ही नहीं। चाहे गुनाह छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर किसी ने शिर्क किया हो, अगर कोई मुशरिक हो, तो कभी किसी मुशरिक तक ये अहद इलाही पहुंच नहीं सकता। कुरान ने कहा قال لا ينال عهد الظالمين صلى الله على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد باقي باتیں کل شروع کر دینے کے لیے یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین، یہی خدا کی طرف سے جو انتخاب شدہ ہوتے ہیں یہ صادقین میں سے ہیں، اور صادقین عام صادقین سے ان کا درمیان میں فرق ہے، تفاوت ہے۔ کیوں ہے؟ ایمان والوں کو ان متقی لوگوں کو یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ ہو جاؤ، تو ان کا درجہ عظیم ہے، وہ منتخب من اللہ ہے، وہ خدا کے اسماء کے مظہر الہی ہیں، تو اس لیے کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ان کا سلک اس قدر مضبوط ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو کام باہر متعدد ہو کے رہتا ہے۔ ایک مثال کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حسنین آتے ہیں بی بی کے پاس، اماں ہمیں کپڑے چاہیے عید کا دن ہے، بی بی نے پہلے بغیر کسی پلان کے کہا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ صدیقہ طاہرہ ایسے تو بچوں کی طرف بہلا کے نہیں کہا نا، ادھر کہنا تھا، ادھر سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کہا انا خیات الحسنین کپڑے حاضر ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں صادقین کا یہ درجہ ہے۔ ان صادقین کو رسول اللہ نے جن آیات کی تلاوت کیا، آئے مواہدہ نے تمام پوری کائنات کے مقابلے میں لا کے دکھایا، اگر کوئی صادق ہے، کوئی معصوم ہے، تو یہ پانچ ہستیاں ہیں۔ دیکھو، اور جب اس عیسائیوں کے ہیڈ نے، بڑے نے، ان کے عالم نے، ان کے مجتہد نے، ان کے اسکوپ نے پوچھا کون آئے ہیں، کوئی گروپ آیا ہے، تلواریں لے کر آئے ہیں، سرمے لگا کر آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو کے آ گئے ہیں، جو تیاریاں میں مشغول تھے کہ کل اپنا میں کوئی مجھے بلائے گا، کل کوئی کس میں کوئی بلائے گا، کوئی کس میں بلائے گا، لیکن رسول نے بلانے ہیں۔ کہتے ہیں اب نانا نام ہے، بس ہمارے بہت بڑے ہندوستان کے عالم جی نے کہتے ہیں اب نانا، یعنی اب نانا تم میں سے کوئی ہو، اب نانا فقط وہ آئیں گے کہ جو واقعا حقیقت میں جو ہے معصوم ہے۔ جو وہاں پر نبی نے دعا کرنا تھا، اگر دعا میں اگر کوئی تھوڑا بھی گناہ گار ہوتا تو ابرو میں بھی ہوتا تھا جاتا، اسی لیے ان ہستیوں کو ساتھ آیا۔ اور اتفاقا کہتے ہیں کہ یہ آئے مباہدہ سے دو دن پہلے آئے تطہیر نازل ہوئی تھی، انما یرید اللہ پاک۔ اور پھر بی بی ام سلمہ، بی بی عائشہ، ام المومنین سب فرماتی ہیں کہ آئے تطہیر میں ہمیں اجازت نہیں ملی، فقط انہی پانچوں کی اجازت ملی۔ اچھا، مختصر، اب جب عیسائیوں کے بڑے کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہمارے طرف آ رہے ہیں میدان مباہدہ میں وہ پانچ ہی ہیں، محمد تو خود نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہے، ایک ہاتھوں میں کام کرایا ہے، یعنی گویا رسالت کی تکمیل ان دن سے ہے، حسین منی وانا من الحسین، حادان امامان اماما اور قادہ نفس رسول کو لے کر آئے ہیں، اور کائنات کے شہزادی، جنت کے خواتین کی سردار سیدت النساء العالمین بعض الرسول کو لے کر آئے ہیں۔ تو عیسائیوں کا جو اس کو تھا وہ رک گیا، اس نے کہا اب ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے جملے ہیں، تاریخ میں سب ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہے انی لآ وجوہن
मैं कुछ ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ, अगर ये चेहरे पर दुआ करेंगे लाजाल जिमाल पहाड़ अपनी जगह छोड़ जाएंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा ईसाइयों ने जिन चेहरों का एहतराम किया, जिज़िया देने पे आमादा हो गए, कहा हम इनके साथ टकराते नहीं। और खुसूसन बात उलमा अर्ज करते हैं, बीबी ज़हरा या मर्ज़िया के भाई हैं मोहम्मद की बेटी, बस मुर्बीन के दिल में बीबी का नाम इन दिनों में जब पानी भी बंद हो चुका है, ये दिन ऐसे हैं, जरूरी नहीं है रोना ना भी आए, बस वक्त हदफ को अपनाना है, तौबा करना है, वफा को अपनाना है, इनके हदफ को दिन में लेना है, रो के बस गिनती पूरी नहीं हो जाती है, हदफ को अपनाना है। क्यों इनको इस तरीके से किया, कहीं इमाम जमाना आगे आवाज दे, हम अपने कामों की वजह से शायद इमाम की आवाज हमारे कामों से नटक रहे। ईसाइयों ने एहतराम किया, अगर मुसलमानों ने जिसके लिए कुल्लमा दखलत फातिमा, बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं जब भी बस में रसूल ने फातिमा आती थी काम आई गई, हाँ ए मेरे मोमिन, ए रसूलुल्लाह से प्यार रखने वालों, ए रसूल से मोहब्बत रखने वाले मुसलमानों, जब भी बीबी आती थी, बीबी ने कहा, बीबी आयशा ने उम्र मोमिनीन ने ये फरमाया, जब भी रसूल की बेटी आती थी कुल्लमा दखलत, कुल्लमा अरबी में आता है जब भी आती थी काम ही ले, मुरसल आजम खड़े होते थे। लेकिन कुछ मकाम ऐसा आया, ये बीबी खड़ी रही, कोई और नहीं उठा। इसी तरीके से करबला में भी ये वजूह, ये चेहरे इमाम हसन का जनाजा अथर मदीने में उठा रहे हैं कब्र में, हालांकि वो जगह अगर मीरास में देखा जाए तो आठवां हिस्सा भी बीबियों के लिए जाता है, लेकिन सारा का सारा हिस्सा ही कहा औलाद का अपने घर में दफन होने, ये मारे गए रात की तारीखियों में दफनाया गया, और एक जनाजे को दिन को दफनाने की कोशिश किया, लेकिन उस जनाजे पर घोड़े दबाए गए। आजादारा ने सही विषय बताया, जहां ईसाइयों ने ख्याल रखा, उन चेहरों का हया किया, एहतराम किया, इस उम्मत के सामने मौला हुसैन कभी रसूल खुदा का अमामा पहन के जाते थे, क्या मुख्तलिफ भेस चेंज करके दें कहीं इनको बचा दो, कि जब भी जाते थे तो अमीरुल मोमिनीन को बड़ा बला के इमाम हुसैन वापस पलट के रो रहे थे, कल गया अंदाज किया था, बीबी आके पढ़ के पूछते हैं भैया क्यों रो रहे हैं, कहा मेरे मासूम बाप को ये बुरा भला कह रहे, वो अली जिसकी वजह से मुसलमानों में इस्लाम फैला था, मदीने में मदीने के अंदर दो जवान ऐसे थे जब भी गुजरते थे लोग रोक के उनके चेहरे की ज्यादा करते थे, एक जनाब अली अकबर और दूसरे कमर बनी हाशिम, रोक के लोग जाते, जब भी बीबी जहरा या मर्ज़िया सानिया जहरा अबिल फजल अब्बास को देखती थी तो बाबा अली की जो वसीयत थी, कहती बेटी एक दिन जहां अभी दर से कुरान दे रही है मुफस्सिरा हो, यहां असीर बना के लाएंगे,
सोच नहीं सकती थी, कहती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो किसकी जुरात कि उसके चादर की तरह किसी का हाथ आगे बढ़े। अजादारा ने सैयद शहदा, लेकिन एक वक्त वो आता है जब सब शहीद हो जाते हैं। अब अल-फ़ज़ल अब्बास बार बार रहा नहीं जा रहा है, इमाम हुसैन के पास जाकर हाथ जोड़ के इजाजत मांग रहे हैं, आगा जान मुझे इजाजत दे दे, जंग करने की इजाजत दे दे, जंग करने की इजाजत दे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अल-फ़ज़ल पे बड़ा नाज था। बिलाखर बीबियों के दिल के ढारस पे जब तक ये अलम का फेरा आसमान में, जब तक ये जो है बीबियां देख रही हैं, बीबियों के दिलों के लिए भी एक ढारस और एक सुकून। इमाम हुसैन भी इसलिए कह रहे थे कि रुक ना मेरे अब्बास, रुक ना, इस अलम के फेरे को जल्दी क्यों नहीं डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे। जब आखिर अली अकबर भी शहीद हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर अबुल फजल अब्बास क्या फरमाते हैं, भैया हुसैन, आका हुसैन, कौन सी फौज, कौन सा लश्कर, किन का आलमदार। उसी असना में अबुल फजल अब्बास ख्याम की तरफ जाते हैं। बस मुख्तसर आपको दिल उस तरफ जाए, वफा लेना अबुल फजल अब्बास से, गुनाहगार अफराद जिसने भी जो गुनाह भी किया है इस बाहुल हवाइज का वास्ता दे कि आज के शब अपने गुनाहों के बारे में जो है सोचें, तौबा करें। अबुल फजल अब्बास जब खैमा में जाते हैं, देखते हैं बीवियां तड़प रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, क्या मंजर देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो करबला की उस गर्म रेत को हटा हटा के अगर नीचे से कोई ठंडक निकले उधर अपना सीना लगाना चाहते हैं। लिपते हुए बच्चों की इस कैफियत को देखने के बाद एक मर्तबा बीबी सकीना आती है, बच्चों बच्चों अभी मैं अपने चाचा को देती हूँ, मशकीजा पानी लेकर आई है, मशकीजा लेकर आती है। तो अबुल फजल अब्बास के लंबे थे, इतने बुलंद कामत के थे, जब घोड़े पे सवार होते थे बादोकात जमीन पर जो है पैरों की लकीरें होती। अबुल फजल अब्बास न जाने किस अंदाज में झुके हैं और बीबी सकीना से मशकीजा को उठाया है। सोच लेना बीबी सकीना अभी तो मशकीजा दे रही है चचा को, लेकिन कुछ देर के बाद जब जालिमीन आके तमाचे मारेंगे तो उस वक्त याद आएगा चचा। मशकीजा लेके यानी बतौर वसीला के तौर पर बीवी को साथ लेके आते हैं तो इमाम हुसैन जी के फरमाते हैं कि बड़ा एक वसीला और सिफारिशी लेके आए अब्बास, बस पानी की इजाजत देते हैं। आपको कसर पानी की इजाजत देते हैं, इमाम के फरमान के मुताबिक शेर अली इस अंदाज में जाते हैं। जितने लोगों ने भी फुरात के इर्द गिर्द जो हल्का बनाया था, किस अंदाज में उस हलकर को छुड़ाने के बाद फुरात के अंदर काबिज होते हैं। काबिज होने के बाद चुल्लू में पानी उठाते हैं, मस्जिदों में पानी भरने के बाद फजकरा तशनु सैन वातफाला अजादारन सैयद शोदा मौला पास ने जुई चुल्लू में पानी उठाया पीने के लिए, देखा नफ्स अब्बास ने कहा अब्बास तीन दिन से प्यासे हो पानी पी लो ताकि दुश्मनों के साथ मुकाबला कर सकोगे। इश्क अब्बास ने इताअत इमामत ने दिल में ये कहा फतकरा तशन हुसैन मौला की प्यास को याद किया बच्चों की प्यास याद आई फरमल माल फुरात को अब्बास ने पानी को फेंक दिया। अली का शेर बिफरते हुए दो इर्द गिर्द जो हल्का बनाया था कोर्ट के बाहर निकल आते हैं, जिस अंदाज में निकल कर श्याम की तरफ रवाना है। जालिमों ने काश के
اعلان کہا اگر اس انداز میں عباس کے سامنے جاؤ گے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو چھپ کے وار کرو ایک درخت کے پیچھے سے ایک ظالم ہے فتت یمین ہو عباس کے دھائے بازو کو قلم کیا پکڑنے کے بعد علماء فرماتے ہیں تیروں کی بارش ہو رہی تھی اپنے آپ کو گویا مشکیزہ کو بچانے کے لیے ڈھال بنایا جتنے تیر آ رہے تھے جناب عباس کے بدن پہ لگ رہے تھے لیکن اس فرمایا مختار سلفی نے پکڑا نا اس کو اب حرمانہ کو کہا کون سے تیر کام کے جس کی وجہ سے کربلا میں امام حسین کے دل کو تو نے ہلایا کہا ایک علی اصغر کے گلوں پہ جو تیر پھینکا اور دوسرا تیر وہ تیر تھا کہ جب میں نے پھینکا پڑتا ہوا عباس ایک دم رکے اپنی جگہ میں اور تیسرا تیر کہاں تھا امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر پہ جب پتھر لگا تھا خون بہنے لگا تو خون کو آنکھوں سے صاف کرنے کے لیے دامن کو اٹھایا تو مولا حسین کے مبارک دل میں ہوتے ہوئے کہا تھا فتوقف العباس عائشہ ابی الفضل العباس رک جاتے ہیں پانی بہ گیا مولا حسین نے کمر تھام لی الان انکسر اہلی او میری کمر ٹوٹ گئی او میرے عباس او میرے قوت بازو عباس جب مولا نے ابی الفضل عباس زندگی میں کبھی اب اسے مولا ابھی فضل